उमेर साहब बताइएगा, आज इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई है, लोग कारकुनान स्पेशली बहुत जो है परेशान हुए थे इस हवाले से कि इमरान खान की सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, क्या इस बात में कुछ सदाकत है और इमरान खान साहब कैसे नज़र आ रहे थे? आपका करम है जी, खान साहब बिल्कुल हशाश पशाश हैं और कायम दायम हैं और उसी तरह खड़े हैं जिस तरह से पहले थे, अपने मौके पर डटे हुए हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आवाम का मैंडेट चुराया गया है आप हम भी उसका उसी तरह से तहफ्फुज़ करें, इस चोरी को हम भूलने नहीं देंगे और इस मिशन को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला जैसा उन्होंने खासतौर पर कमिश्नर इस्लामाबाद की एग्जाम्पल दी कि वो विसल ब्लोअर था उसको इदारे प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे और आज तक वो बंदा गायब है और एक उसका फर्जी सा बयान पेश किया गया, तो इस मामले को सारा अप्रोच होना चाहिए। अच्छा सर, नेशनल असम्बली की जो है प्रॉपरली जो अपने एक चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, उस हवाले से भी क्या खान साहब से डिस्कशन हुई है, इजलास के हवाले से डिस्कशन हुई है या जो केपी की गवर्नमेंट है उसको जेर गौर लाया गया है? आज ज़्यादा फोकस था सेनेट के कैंडिडेट्स की, खान साहब डिस्कस कर रहे थे और बाकी जनरल जनरल बातें स्पेसिफिक नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ताला बाकी वो डिटेल्स आपके। और जो जलसा 23 मार्च को पीटीआई करने जा रही है, इस हवाले से क्या खान साहब को? इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।